हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया के कुछ ऐसे महान आविष्कारों के बारे में जो भारत में किए गए थे। विमान, वैसे तो आप सभी ने इतिहास के कुछ पन्नों में पढ़ा होगा कि विमान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि आधुनिक विमान का निर्माण राइट ब्रदर्स ने किया है, लेकिन महर्षि भारद्वाज द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम और प्रकार भी बताए गए थे। गोधा नाम का एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। स्कंद पुराण के अखंड 3 अध्याय 23 में ऋषि कर्मद ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना भी की थी। वहीं रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें बैठकर रावण सीता को हर कर ले जाता है। अस्त्र शस्त्र का मतलब धनुष, बाण, भाला या फिर तलवार की बात नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको आरोग्य अस्त्रों के बारे में बता रही हूँ जिसका निर्माण भारत में सदियों पहले हुआ था, जैसे कि आरोग्य अस्त्र, वरुणास्त्र, पाशुप्त अस्त्र, सर्परास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसे वर्तमान समय में बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु के नाम से जाना जाता है। पहिए का आविष्कार करीब 15,000 वर्ष पहले, जब रामायण और महाभारत के समय जिसका इस्तेमाल रथ में लगाकर आने जाने और युद्ध के लिए किया जाता था। मानव जीवन में पहिए का आविष्कार विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस प्राचीन आविष्कार के आज भी विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी है, जो ये बताती है कि पहिए का निर्माण ईशान में नहीं बल्कि भारत में हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आई है। पश्चिमी देश के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान के द्वारा निर्मित हुई है, पर भारत में करीब 3,000 साल पहले इसकी खोज हो गई थी। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य विज्ञानों के साथ मिलकर कृमि अंग लगाकर पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल बीमारियों का इलाज निकाला था। बिजली का आविष्कार, ये तो सभी को पता है कि बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, लेकिन एडिसन ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक रात जब मैं महर्षि अगस्त द्वारा लिखे संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया, उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिसका अर्थ है कि एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर शीट डालें और कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली लकड़ी की डस्ट लगाएं, ऊपर मरकरी तथा जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएं, तो उससे मित्रा वरुण शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। बटन, आपको ये जानकर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में ही हुआ है। इसका सबसे पहला सबूत मोहनजोदड़े की खुदाई के समय मिला था। खुदाई में बटने पाई गई हैं सिंधु नदी के पास। आज से 2.5 से 3 हजार वर्ष पहले ये सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ज्यामिति, बोधा ज्ञान भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्क सूत्र शोधयुत्र के निर्माता हैं। इन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत से पहले ही ज्यामिति के फॉर्मूले बनाए थे। रेडियो, इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है। अंग्रेजी शासनकाल में माइक्रोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट्स मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। इसके लिए 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट रूप से उल्लेख भी किया गया है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित भी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर ही गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भाषा का व्याकरण, लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा। पाणिनि ने भाषा के
शुद्ध प्रयोगों सीमा को निर्धारित भी किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। उनसे पहले भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा के नियमों को बनाने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये हैं कुछ ऐसे आविष्कार जो भारत में किए गए थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।